सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। आइए हिंदी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी भी है और बहुत आसान भी है। हम छोटे छोटे सेंटेंस के द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा इंग्लिश सीखेंगे। आज का हमारा विषय है कैन, कुड। कैन और कुड के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं कुछ वाक्य आपको बोल रही हूं, जैसे आजकल सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकती। बच्चे लैपटॉप यूज करते हैं, मैं भी लैपटॉप यूज करती हूं। मैंने चार वाक्य कहा, सभी में कर सकता है, कर सकते हैं, नहीं कर सकती हूं, नहीं कर सकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर सकते हैं, इनके लिए इंग्लिश में हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैन का प्रयोग हम किस किस स्थिति में कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में हम कैन यूज करते हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैंने तीन वाक्य यहां पर लिखा है। आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूं। यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं। ही कैन कम, वह आ सकता है। तीनों वाक्य में हमने कैन का प्रयोग किया, पर अर्थ अलग अलग दे रहा है। कैसे? आई कैन डांस, ये मेरी क्षमता है, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं गाना भी गा सकती हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ, या आप पढ़ सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप खेल सकते हैं, ये आपकी क्षमता को बता रहा है, आपकी हुनर को बता रहा है। वैसी स्थिति में एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। मनुष्य में जो एबिलिटी पाई जाती है उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य क्षमता के लिए मैंने यूज किया, आई कैन डांस। दूसरे वाक्य में यू कैन गो नाउ, मैं यहां पर आज्ञा दे रही हूं, मैं यहां पर बोल रही हूं, यू कैन गो नाउ, ही कैन से नाउ। वैसी स्थिति में यह आज्ञा के लिए हमने कैन का प्रयोग किया। तीसरे वाक्य में ही कैन कम, ही कैन कम मीन्स वह आ भी सकता है, वह नहीं भी आ सकता है। वैसी स्थिति में संभावना के लिए कैन का प्रयोग किया गया। इट कैन रेन, वैसी स्थिति में संभावना के लिए हमने कैन का प्रयोग किया। तो हमने देखा कैन का प्रयोग तीन परिस्थिति में हम करते हैं, जब किसी की एबिलिटी बतानी हो, या किसी को कुछ ऑर्डर देना हो, या किसी पॉसिबिलिटी को बताना हो, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट रूप से जानते हैं। ही कैन सिंग, वह गा सकता है, सकता है, कैन आया। शी कैन प्ले, वह खेल सकती है, शी कैन प्ले, सकती है, कैन आया।
एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, हिंदी में जिस प्रकार लिंग के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, इंग्लिश में वो सब झंझट है ही नहीं, सब एक है। सकता है तो भी कैन, सकती है तो भी कैन, सकते हैं तो भी कैन, मतलब इंग्लिश तो और आसान है, उसमें चेंज करने की हमें जरूरत ही नहीं है। They can swim, वे तैर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सकता है, सकती है, सकते हैं, हिंदी में चेंज हो रहा है, इंग्लिश में सब के लिए कैन आया है, तो है ना आसान। इस प्रकार इट कैन फ्लाई, यह उड़ सकता है। आई कैन हियर, मैं सुन सकती हूँ। नीला कैन कुक, नीला खाना बना सकती है। आरती कैन सी, आरती देख सकती है। मोहन कैन हेल्प, मोहन मदद कर सकता है। इस प्रकार इन वाक्यों के द्वारा हमने देखा कि हम एबिलिटी को बता रहे हैं, कर सकता है, कर सकते हैं, कर सकती है, सभी के लिए हमने कैन का प्रयोग किया। कैन के कुछ और उदाहरण, यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हो। शी कैन सी नाउ, वह अब देख सकती है। ही कैन सिट हियर, वह यहां बैठ सकता है। मिकी कैन हियर इट, मिकी यह सुन सकता है। वैसे वाक्यों में हमने क्या किया, परमिशन दिया, आज्ञा, मैं परमिशन दे रही हूं कि वह यह काम कर सकता है, कर सकती है। वैसी स्थिति में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए और उदाहरण देखें। वी कैन वॉच अ मूवी, हम एक मूवी देख सकते हैं। स्नेहा कैन कम, स्नेहा आ सकती है। ही कैन ईट, वह खा सकता है। मयंक कैन गो, मयंक जा सकता है। वैसी स्थिति में संभावना को बताया जा रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी कैन वॉच अ मूवी, हम मूवी देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा संभावना के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का दूसरा प्रयोग, जब हम प्रश्न पूछते हैं, when we ask questions, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, मैं पूछ रही हूँ, जरूरी नहीं है सामने वाला देगा ही, सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही। वैसी स्थिति में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम देखेंगे कि वहां पर मे का भी प्रयोग होता है, मे आई यूज, मे आई कम, लेकिन वैसी स्थिति में मे थोड़ा ज्यादा ऑर्डरी टोन लगता है, मतलब परमिशन पूछ रहे हैं वैसा दिख रहा है। जब हम परमिशन पूछते हैं किसी बड़े से तब हम मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन, वैसी स्थिति में मतलब आप जो रूम में बैठा हुआ है उनको आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वैसी स्थिति में आप मे का प्रयोग करते हैं। कैन बहुत ही फॉर्मल है, कैन आई कम इन, वैसे ही कैन शी प्ले, क्या वह खेल सकती है। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझ सकते हो। उसी प्रकार कैन, कैन के लिए और कई एग्जाम्पल है। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो। एक बात यहां पर ध्यान देना जरूरी है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तब कैन से हम वाक्य को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया आई कैन सिंग, यू कैन डांस, वैसे ही जब मैं प्रश्न पूछती हूं तब कैन यू डांस, कैन आई सिंग, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है,
वैसी स्थिति में कैन से वाक्य शुरू होना जरूरी है। अब तक जो मैंने वाक्य बताया आपको, आपने सुना, वो सभी सकारात्मक वाक्य थे। सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य, कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर सकते हैं। अगर उसी में नकारात्मक वाक्य बोलना हो तो हम क्या करेंगे? नकारात्मक वाक्य के लिए आपको पता है न के लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट। हिंदी में हम न बोलते हैं या नहीं बोलते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में नॉट लगाते हैं। सेम उसी प्रकार जब हम नकारात्मक वाक्य इंग्लिश में बोलेंगे तो कैन के साथ हम नॉट लगाएंगे। कैसे? C-A-N, कैन, उसके साथ N-O-T, नॉट। यहां पर देखिए ये सेम वर्ड है, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। C-A-N-N-O-T, cannot। चूंकि यहां पर डबल N है इसलिए हम उसको C-A-N-T, can't भी लिख सकते हैं। दोनों स्थिति में cannot या can't यह जो है नकारात्मक हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको जानते हैं। वी कैन नॉट सिंग, हम गा नहीं सकते हैं। वी कांट सिंग। वी कैन नॉट डांस, वह नाच नहीं सकता है। ही कांट डांस। यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। यू कांट बिलीव। इट कैन नॉट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकता है। इट कांट फ्लाई। उसी प्रकार शी कांट कुक, मीरा कांट प्ले, सीता कांट स्विम, मोहन कांट रन। इस प्रकार के कई वाक्य है जिनमें कि हम कांट या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, वह नकारात्मक वाक्य के लिए है। कैन नॉट के द्वारा हम जब प्रश्न पूछते हैं, सेम कैन के जैसा ही कैन नॉट को हम सब्जेक्ट के सामने लाते हैं। जैसे कांट यू सिंग, क्या आप नहीं गा सकते हैं? कांट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं? कांट यू डांस, क्या आप नाच नहीं सकते हैं? कांट ही स्विम, क्या वह तैर नहीं सकता है? उसी प्रकार प्रश्न जब पूछा जाता है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य के लिए, तब हम कैन नॉट या कांट को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं, अर्थात वाक्य की शुरुआत हम कैन नॉट या कांट से करते हैं। कैन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं कुड। C-O-U-L-D, कुड। यहाँ पे देखिए L साइलेंट है, L जो है उसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, कुल्ड नहीं बोलते, बोल सकते इसको। क्या बोलते हैं? कुड, C-O-U-L-D। आइए अब हम देखते हैं कुड का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। पहला तो है कैन के पास्ट टेंस के लिए, जो हमने प्रयोग कैन के लिए किया, सेम उसी प्रकार जब हम उसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं अर्थात भूतकाल में करते हैं, तब हम कैन के बदले में कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो मैंने वाक्य लिखा है वे सभी कैन के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग हुआ है। आई कुड सी, मैं देख सकता था। ही कुड टेल, वह बोल सकता था। शी कुड हियर, वह सुन सकती थी। दे कुड स्विम, वे तैर सकते थे। इस प्रकार पास्ट टेंस के लिए हमने कुड का प्रयोग किया है। जब हम कैन का पास्ट टेंस यूज करते हैं तो कैन के पास्ट टेंस के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, इमेजिनरी थिंग के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई विश आई कुड बिलीव यू, काश मैं आपको विश्वास कर सकता। आई विश आई कुड गेट मोर मनी, काश मुझे और पैसे मिल सकते। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता।
इस प्रकार जब हम इमेजिन करते हैं, कोई किसी चीज की कल्पना करते हैं, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को कुछ सजेशन देते हैं तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। We could go to a hill station. हम हिल स्टेशन के लिए जा भी सकते हैं। निहार could use your pen. निहार आपकी कलम यूज कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। She could go for a journey. वह एक यात्रा के लिए जा सकती है। इस प्रकार जब हम किसी को कुछ सजेशन देते हैं तब उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। हमने कुड का एग्जांपल्स देखे, अब हम इसी का नकारात्मक रूप कुडंट, CoulDnot, एक ही शब्द है कुडंट, उसके लिए हम UldnT कुडंट का प्रयोग करते हैं। जिस स्थिति में हम कुड का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार उसी के नकारात्मक वाक्यों के लिए हम कुडंट का प्रयोग करते हैं। ही कुडंट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन नहीं पकड़ पाया। शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, वह ठीक से बोल नहीं पाती है। आई कुड नॉट फाइंड द हाउस, मैं घर नहीं पा सकी। आई कुड नॉट हियर इट प्रॉपरली, मैं यह ठीक से सुन नहीं सकी। ही कुड नॉट सिंग प्रॉपरली, वह ठीक से गा नहीं सका। इस प्रकार कुडंट का प्रयोग बहुत ही इजी है। जिनके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं उसी के नकारात्मक रूप के लिए हम कुडंट का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर उस वाक्य में हिंदी में हम नहीं लगा रहे हैं तो हम इंग्लिश में कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग करते हैं। आज हमने जाना कैन और कुड के बारे में। आगे भी हमें देखते रहिए, हम और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।